गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज हम 9 नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये एमकॉम की फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंदर आता है, और एमबीए की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आता है। सीवाई बीबीए के स्टूडेंट के लिए भी ये यूजफुल है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम उनके सिलेबस में भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में का 9 नंबर का प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर नंबर है, तो इस प्रॉब्लम में हमें बैलेंस शीट दिया गया है 2 ईयर्स का, एंड उसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया गया है। तो ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमें क्या करना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम क्या करते हैं, जिस किसी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट होती है तो उसका हम सेपरेट अकाउंट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रपोज डिविडेंड है, तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पर भी जो डिविडेंड है उसके लिए कुछ अमाउंट दी गई है प्रपोज डिविडेंड की। तो हमें यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। देन कॉपीराइट जो है वो अमोर्टाइज हुए है, तो कॉपीराइट का भी हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और वो अमोर्टाइज भी हुए है, तो कॉपीराइट का भी अकाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक्सप्रो में प्रपोज डिविडेंड एंड कॉपीराइट का अकाउंट निकालने वाले हैं। तो ऐसे 2 अकाउंट हमें निकालने हैं। तो पहले हम वो प्रिपेयर कर लेते हैं वर्किंग नोट, बाद में हम जो स्टेटमेंट है वो तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो हम पहले लेंगे। तो ये लाइबिलिटी है, सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। और प्रपोज डिविडेंड के ऊपर यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट है 10,000 के, उसका भी इफेक्ट हम देने वाले हैं, वो पेड है। तो यहाँ पर हमने प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट प्रिपेयर किया है, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड में हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। देन हमने डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 10,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड था वो हमने यहाँ पर लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। अभी क्या किया, तो क्रेडिट साइड की टोटल 18,000 आई है, वो डेबिट साइड में लिखी 18,000, और उसमें से डेबिट साइड के 10,000 माइनस किए, बैलेंसिंग फिगर जो है उसको हम बोलते हैं टू बैंक अकाउंट, मतलब फाइनल पेमेंट है डिविडेंड का। तो यहाँ पर हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, फाइनल पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इस तरह से हमने डिविडेंड का अकाउंट निकाला, प्रपोज डिविडेंड का। अभी हमें कॉपीराइट का अकाउंट निकालना है। तो कॉपीराइट का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो एसेट साइड में है, तो हम ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में लेंगे, और जितने अमाउंट एमोर्टाइज हुई है वो भी हम क्रेडिट में लेंगे। तो कॉपीराइट का सेकंड अकाउंट हम वर्किंग नोट में निकाल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट में लिया कॉपीराइट अकाउंट का 10,000। नेक्स्ट हमने क्रेडिट साइड में उसका क्लोजिंग बैलेंस लिया है 29,000, और जो अमोर्टाइज हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट भी क्रेडिट में दिया है 5,000 का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट कॉपीराइट अमोर्टाइज। अभी इनकी टोटल की क्रेडिट की टोटल बड़ी है 34,000, डेबिट में लिखी 34,000, इसमें से 10,000 माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर आई 24,000, यानी कि इतने हमने परचेस किए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट परचेस ऑफ न्यू कॉपीराइट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो हमने इस तरह से पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर ली। अभी हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है उसके लिए ऊपर लिखिए, इन द बुक्स ऑफ एक्यूरेट लिमिटेड आगरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम शुरुआत करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की जो फिगर है वो हमें मिलेगी हमारे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट जो है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम बैलेंस शीट में से वो लेंगे। एक मिनट, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो 60,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, तो दोनों में का जो डिफरेंस है वो हम आउटर के कॉलम में लेंगे 40,000। तो यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट लिखा ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग 60,000 था, क्लोजिंग 1 लाख है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना नेट प्रॉफिट हुआ होगा 40,000। वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी मिल जाता, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग लिखना जरूरी है इसलिए हमने लिखा। नेक्स्ट हम लेंगे कंसिडरेशन ऑफ नॉन कैश आइटम। कंसिडरेशन ऑफ नॉन कैश आइटम, तो इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश चार्जेस, यानी कि जिसमें कैश का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो मतलब डिप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट होगा, या फिर कॉपीराइट अमोर्टाइजेशन है, प्रपोज डिविडेंड है, तो ये सब हम लेंगे। तो वन बाय वन हम लेने वाले हैं। तो कॉपीराइट अमोर्टाइज एंड डिविडेंड जो है वो हमने पहले भी वर्किंग नोट में लिखा देखा था, तो वही हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं। कॉपीराइट अमोर्टाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में था, एंड प्रपोज डिविडेंड 5,000 एंड 10,000। अभी डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी का, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दिया गया है और डेप्रिसिएशन भी है। तो ये एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 ये हम लेंगे। मतलब यहाँ पर रेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हमें बाकी की थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आइटम है वो हम चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पर कैश इन्वॉल्व होती है, कहाँ पर नहीं होती है। तो ये चार आइटम है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसमें डेप्रिसिएशन है, देन इंटरेस्ट है, एंड देन कॉपीराइट अमोर्टाइज है, एंड प्रपोज डिविडेंड है। तो ये सारे आइटम हम नॉन कैश आइटम के कंसिडरेशन में ले लेंगे ऐड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर ये चारों आइटम जो है वो ऐड कर लिए हैं, और ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट था 40,000, उसमें ये 32,000 टोटल अमाउंट ऐड कर दी है। तो ऐड करने के बाद अमाउंट आई है 72,000। नॉन कैश आइटम जो है इनकम्स, मतलब वो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नील लिख दिया है। तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो आई है 72,000। अभी हम इसमें कंसिडरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर जो इनफ्लो होता है वो अगर डिक्रीज हुई करंट एसेट, मतलब हमने सेल की या फिर और किसी वजह से, तो इनफ्लो आता है कैश का, और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई तो इनफ्लो आता है। तो यहाँ पर हमें करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है क्या वो चेक करना है, और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है क्या वो चेक करना है। तो इनफ्लो में हम वो लिखेंगे। तो हमने एसेट साइड चेक की, एसेट साइड में जो करंट एसेट्स थी उसमें कौन कौन से आइटम है। तो करंट एसेट में है स्टॉक, स्टॉक तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। डेटर्स है, डेटर्स डिक्रीज हुए है, यहाँ पर 74,000 थे, वो कितने हुए 55,000 हुए, तो हम डेटर्स लेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लेकिन वो भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, तो सिर्फ डेटर्स लेंगे। और यहाँ पर लायबिलिटी साइड में जो करंट लायबिलिटीज है उसमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इंक्रीज हुआ है क्या। तो क्रेडिटर्स तो डिक्रीज हुए हैं वो नहीं लेंगे, बिल्स पेबल भी डिक्रीज हुए हैं वो नहीं लेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 2,000 था, वो कितना हुआ है 6,000। सो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेंगे इनफ्लो में। तो यहाँ पर इनफ्लो में हम एक करंट एसेट एंड एक करंट लायबिलिटी लेने वाले हैं। तो इनफ्लो में हम लेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, उसके अंदर आएगा डेटर्स, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, उसमें आएगा
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पर लेते वक्त जो डिफरेंस होता है वही लेते हैं। तो डेटर्स का डिफरेंस है 19,000, आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस है 4,000। तो यहाँ पर हमने 19,000 एंड 4,000 ऐड कर दिए 72,000 में, तो हमारी टोटल आई है 95,000। अभी हम कैश आउटफ्लो लेंगे, तो इसका रिवर्स मतलब एसेट्स अभी क्या होनी चाहिए, करंट एसेट इंक्रीज एंड करंट लाइबिलिटीज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो अभी हमने जो देखी थी एसेट्स, जो रिमेनिंग एसेट्स थी वो लेंगे हम। तो रिमेनिंग एसेट कौन सी थी, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर रिमेनिंग लाइबिलिटीज कौन सी थी, वो थी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जो हमने अभी अभी देखी कि वो क्या हुआ था, करंट लाइबिलिटीज क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, और करंट एसेट्स क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, जो हमने ऊपर नहीं लिखी इनफ्लो में। तो वही हमें कहाँ लिखनी है, आउटफ्लो में लिखनी है। और यहाँ पर भी लेते वक्त हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में जो डिफरेंस आता है वही लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेस करेंगे आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में इंक्रीज इन करंट एसेट के अंडर आएगा स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों में का डिफरेंस हमने लिया 20,000 एंड 4,000, मतलब स्टॉक का ओपनिंग एंड स्टॉक का क्लोजिंग का डिफरेंस 20,000, प्रीपेड का ओपनिंग एंड प्रीपेड का क्लोजिंग का डिफरेंस 4,000। इस तरह से हमने एसेट्स के 24,000 ऐड कर दिए, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के अंडर आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स का जो डिफरेंस है वो है 23,000, बिल्स पेबल का डिफरेंस है 13,000, तो टोटल आ गई 36,000। अभी 95,000 में से हम क्या करेंगे, 24,000 एंड 36,000 माइनस करेंगे, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई 35,000। इसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी हम लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी जो रिमेनिंग एसेट्स होती है वो हम कंसिडर करते हैं, और रिमेनिंग मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी छोड़ के जो रिमेनिंग अमाउंट होती है बैलेंस शीट में, यहाँ पर हम वो कंसिडर करते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो इनफ्लो है, कैश इनफ्लो मतलब पैसा आना चाहिए, तो किस तरह से आएगा, तो पहले हम लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। यहाँ पर नील क्यों लिखा है आपको समझ में आना चाहिए। तो हम देखिए पहले लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। देखिए लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर करंट लाइबिलिटी छोड़ के क्या क्या है, करंट लाइबिलिटी छोड़ के कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, वो क्या हुए है, डिक्रीज हुए है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो 1 लाख से कितना हुआ है, 1,50,000, मतलब इंक्रीज हुआ है। और इस साइड में एसेट साइड में मशीनरी है, मशीनरी 1,70,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 30,000 डिप्रिसिएशन लेस करके 1,40,000 है। यहाँ पर 180 से 40,000 लेस करके 1,40,000 है, मतलब सेम अमाउंट से। तो बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मशीनरी के अमाउंट यहाँ पर दी गई थी, बाकी के सभी करंट एसेट्स एंड यहाँ पर इस साइड में करंट लायबिलिटीज है। तो अभी इनका इफेक्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए जो हमने वर्किंग नोट निकाली थी वहां पर दो अमाउंट आई थी वर्किंग नोट में, एक आई थी ये बैंक की 8,000 की, जो डिविडेंड का फाइनल पेमेंट था, मतलब आउटफ्लो में वो आएगा, और दूसरी एक अमाउंट आई थी यहाँ पर हमने कॉपीराइट परचेस किए थे। देखिए यहाँ पर ये 24,000 की, तो ये एक जो है वो आउटफ्लो में आएगी 24,000 की, यानी कि दो अमाउंट ये आएगी। तो हम यहाँ पर वो कैश आउटफ्लो में लिखने वाले हैं, लेकिन बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर कॉपीराइट परचेस जो है वो हम ऊपर लिखेंगे कैश आउटफ्लो में। तो कैश आउटफ्लो में हमने लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेस ऑफ न्यू कॉपीराइट 24,000, और परचेस ऑफ न्यू मशीनरी जो है तो ये 10,000 रुपीज जो है कैश आउटफ्लो के, वो परचेस ऑफ मशीनरी के, उसका मैं आपको वर्किंग नोट देने वाली हूँ कि वो किस तरह से आए हैं। तो यहाँ पर हमने 10,000 एंड 24,000, इस तरह से 34,000 ले लिए हैं।
या फिर आप अगर डायरेक्टली समझ में आ जाए तो डायरेक्टली भी आप मशीनरी की जो अमाउंट है वो चेक कर सकते हैं कि मशीनरी की अमाउंट जो थी वो हमारी थी 1,70,000, जो कितनी हुई है 1,80,000 हुई है, यानी कि 10,000 की मशीनरी हमने क्या की है, परचेज की है। तो हमने यहाँ पर 10,000 लिए, तो उसके लिए कोई सेपरेट वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी समझ में आता है। तो हमने यहाँ पर परचेज ऑफ मशीनरी एंड कॉपीराइट परचेज जो है उसकी अमाउंट ली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश आउटफ्लो में, लेकिन ये माइनस करनी है, तो इसे इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया 34,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो आई है 34,000, लेकिन वो माइनस में है। अभी कैश इनफ्लो जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल था इंक्रीज हुआ था 50,000 से, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम वो लेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में जो प्रोसीजर फ्रॉम इक्विटी शेयर है वो लेंगे, या फिर प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो 50,000 लेंगे। तो आउटर के कॉलम में डायरेक्टली आप ये 50,000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कैश आउटफ्लो में, मैंने अभी अभी जो आपको बताया था कि डिविडेंड पेड हुआ है उसके 8,000 लेंगे, और इंटरेस्ट भी पेड हुआ है तो उसकी भी अमाउंट हम लेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है। तो ये से 8,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इसके हम लेंगे 7,000, एंड हम अगर एसेट साइड देखेंगे तो एसेट साइड में जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसमें हमें कुछ डिफरेंस दिखता है, वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर सॉरी लायबिलिटी में है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में नहीं है। तो वो 80,000 थे, तो 50,000 वही, यानी कि 30,000 का लोन हमने पेड किया है, तो ये 30,000 का डिफरेंस हम लोन्स एंड एडवांसेस का यहाँ पर लेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने डिविडेंड लिया, इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में था लोन्स एंड एडवांसेस का वो लिया, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस या फिर लोन हमने जो पेड किया है उसके हमने 30,000 दिए। तो इस तरह से हमने ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है उसमें तीन पेमेंट किए, 30,000, 7,000, 8,000, इनकी टोटल 45,000। तो अभी हमारे पास 50,000 में से 45,000 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है 5,000, ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से हमने जो स्टेप बाय स्टेप थ्री फ्लोज निकाले हैं, ये सेकंड फ्लो माइनस में आया है 34,000, फर्स्ट फ्लो जो है वो 35,000 प्लस में आया है। तो 35,000 प्लस है, 34,000 माइनस है, 5,000 प्लस है, तो इनकी प्लस माइनस करके हमारे यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है वो 6,000 से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अभी हम लेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ये जो नेट कैश फ्लो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इंक्रीज हुई है 6,000 की, उसमें हम कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फिगर आती है वो बराबर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी इतनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैश इन हैंड एंड ट्रेजरी बिल ये कंबाइन करके अमाउंट ली है 48,000 की, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी कैश इन हैंड एंड ट्रेजरी बिल कंबाइन करके जितना आया है उतना ही आना चाहिए। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो ये हमने 9 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यहाँ पर हमने दो वर्किंग नोट की है और ये हमारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट है। वंस अगेन मैं आपको वर्किंग नोट एंड कैश फ्लो का जो पूरा स्टेटमेंट है वो दिखा रही हूँ। ये स्टेटमेंट है और ये हमारी वर्किंग नोट, ये हमने जहाँ पर कुछ आप अगर मशीनरी की भी निकालते तो भी चलता, लेकिन जरूरी नहीं था इसीलिए हमने नहीं निकाली। तो ये वर्किंग नोट है और ये हमारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।